हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, अभी अगर इंटरनेट पे आप देखेंगे तो इस तरह का ब्रोकन नट बोल्ट एक्सट्रैक्टर आपको बहुत सारा मिलेगा, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इसका देता है। और जब मैं भी कोई व्हीकल रिपेयर करता हूं तो उसमें नट बोल्ट टूटता ही रहता है। अभी देखिए, ये वाला ठीक है और इधर वाला टूट गया, तो इसका बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। और नेट पे जैसा दिखाता है कि बहुत ही ईजिली से निकल जाता है नट बोल्ट एक्सट्रैक्टर, तो मैंने भी एक मंगवाया है और देखते हैं कि ये कितना ईजिली काम करता है। क्योंकि नेट पे तो बहुत अच्छा से दिखाता है कि जैसे इसको ड्रिल करो और इससे बहुत ही ईजिली विद इन सेकेंड्स, मतलब जो रील्स वील्स आ रहा है उसमें विद इन 15 सेकेंड ये निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी एक मंगवा लिया है चीप एंड बेस्ट जो मुझे लगा इंटरनेट पे, और आने में इसका डब्बा ही टूट गया है, तो कोई बात नहीं, अभी भी ठीक ही लग रहा है ये। और आप लोग नीचे कमेंट करने लगते हैं कि ये ब्रांड प्रमोशन है ये वो, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका कोई ब्रांड नहीं है, जेनेरिक प्रोडक्ट है, मैंने मंगाया और देखना चाहते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, इससे ईजिली निकलता है कि नहीं, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसे लेना चाहिए कि नहीं। तो जल्दी से इसमें ड्रिल करते हैं और ट्राई करते हैं, और मेरा टारगेट है कि ये वाला यूज़ करेंगे, सही है ये सेकंड वाला, क्योंकि थर्ड वाला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको पहले पंच करके ड्रिल करते हैं। और ये बहुत ही कॉस्टली इंजन है, तो इसको थोड़ा प्यार से, यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही ड्रिल करेंगे। और ये इंजन हेड है, तो अगर ज़्यादा ड्रिल होगा तो इंजन हेड में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये देखिए, तो ड्रिल का काम पूरा हो गया है, अब इसे एक्सट्रैक्ट करना है हमें। तो यहाँ पे मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुली इसे रिमूव कर पाता है। अब एक और प्रॉब्लम है कि इसको होल्ड करने के लिए कुछ भी जुगाड़ पैकेट में नहीं है, तो यहाँ पे मैं 4 mm का एक बिट यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए, और मुझे लगता है कि ये हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ, ये स्लिप कर रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि इसको होल्ड करना भी एक प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, ये स्लिप कर रहा है, 3 mm का ट्राई करता हूँ, तो 4 mm से छोटा नहीं था। तो यहाँ पे मैं ये जो थ्रेड के लिए यूज़ होता है रिंच, उसका यूज़ कर रहा हूँ, बट ये भी इसमें काम नहीं आ रहा है। अब स्लाइड रिंच मेरे पास बड़ा वाला है, और वीडियो में स्लाइड रिंच ही दिखाता है, बट आई थिंक ये बड़ा वाला काम करेगा कि नहीं, तो ये बड़ा वाला इस पर काम नहीं कर रहा है, ये आई थिंक नहीं, होल्ड तो कर रहा है बट ये कब तक होल्ड करेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ये भी ना टूट जाए, अंदर तो जा रहा है ये, बट कब तक ये एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। ये देखिए, तो अंदर तो जा रहा है, मे बी कि ये भी स्लिप कर जाए या टूट जाए, तो दोस्तों ये स्लिप कर गया, नहीं गया अंदर तक, ये देखिए यहाँ पर जो भी था तो यहाँ तक गया ये, और उसके बाद ये स्लिप कर गया, और इसका जो थ्रेड है वो भी डैमेज हो गया। अब ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, मे बी कि इसका क्वालिटी अच्छा ना हो, तो इसी का थ्रेड डैमेज हो गया, निकाल तो नहीं पाया, और इसका भी थ्रेड डैमेज हो गया, तो थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं। तो क्वालिटी इसका सही नहीं लगा मुझे, ये देखिए, मे बी कि अगर इसका थ्रेड अच्छा रहता तो ये निकाल भी सकता था, बट
ये खुद ही डैमेज हो गया है, अंदर तक तो गया। और यहाँ पे जो वेल्डिंग वाला मेथड है वो सब कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सबके पास फिर वो वेल्डिंग मशीन ही होता है, प्लस यहाँ पे बहुत कुछ है अगल बगल, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो ये बाहर नहीं आ पा रहा है, ये देखिए। तो इसको बाहर निकाल के देखते हैं कि इसका क्या हाल हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका थ्रेड ही डैमेज हो गया है, तो ये निकालने में सक्सेसफुल नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर करीब से आप देखेंगे तो इसका थ्रेड ही डैमेज हो गया, तो सही नहीं लगा मुझे। तो अभी मैं थोड़ा सा बड़ा बिट के साथ इसको ट्राई कर रहा हूँ, ताकि जो दूसरा वाला है एक्सट्रैक्टर, उससे हम लोग इसको बाहर निकाल सकें। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो यहाँ पे इंजन के हेड को हमें डैमेज नहीं करना है। सही है, ये भी हो गया है। तो सेकंड वाला डैमेज हो गया है, फेल हो गया है। अब थर्ड वाले से ट्राई करते हैं। और इसमें आई थिंक ये लग जाना चाहिए। तो या अब देखते हैं ये बाहर निकलता है कि डैमेज होता है। सही जा रहा है। अब डिपेंड भी करता है कि किस तरह से स्ट्रक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदे तरह से स्ट्रक है। तो बात ये भी है कि यहाँ पे हीटिंग होता है, तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत गंदा हाल हुआ, यही टूट गया। तो दोस्तों इस केस में ये काम नहीं किया, मे बी कि ये जेनरिक प्रोडक्ट था इसलिए। बट मुझे लगता है कि अगर और अच्छे क्वालिटी का रहता ये तो ये काम कर जाता, बट मेरे केस में यहाँ पे ये काम नहीं किया और गंदे ही तरह से टूट गया ये। तो कुछ ये हाल हुआ है, अब इसे वेल्डिंग करके ही निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है। और मे बी कि अगर आप परचेस करना चाहें तो एक अच्छे क्वालिटी का परचेस कीजिए। मैंने बस ट्राई करने के लिए जो सबसे चीप एंड बेस्ट लगा वो मैंने परचेस किया था, और मेरे केस में काम नहीं किया। आपने देखा, मैंने शुरू से अंत तक आपको दिखाया। अब दोस्तों वीडियोज़ थोड़े बोरिंग तो हो जाते हैं, बट अगर मैं रील्स बनाऊँ तो 15 सेकंड में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम होता है रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों अगर आप वीडियोस देखना पसंद करते हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई अच्छा प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं भी देखूंगा जो कोई कॉस्टली होगा इससे बेटर जो दिखेगा उसका लिंक दे दूंगा, आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों रिज़ल्ट ये आया कि मेरे केस में इसने काम नहीं किया। मे बी कि इसका क्वालिटी अच्छा ना हो, अगर आप अच्छे क्वालिटी का लें तो मे बी कि वो काम करे। अगर आपने यूज़ किया है अच्छे क्वालिटी का और उससे बोल्ट निकलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे भी लगता है कि शायद ये काम कर सकता था अगर ये टूटता नहीं तो, बट टूट गया। प्लस बोल्ट पे भी डिपेंड करता है, ये बहुत गंदे तरह से स्ट्रक है तो ये नहीं निकल पाया। मे बी कि कोई और दूसरे जगह पे रहता तो निकल जाता। अब ये इंजन हेड है, यहाँ पे रोज़ हीटिंग कूलिंग होते रहता है, तो जितना भी बोल्ट है अगर एक बार टूटता है तो उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि ये जो इंजेक्टर है डीजल वाला, इसको भी निकालना एक चैलेंज ही होता है अगर बहुत दिन के बाद ओपन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे क्वालिटी का रहता तो काम करता ये। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसे यूज़ करने के बाद इतना मैं कह सकता हूँ कि जितना सिंपल ये लोग रील्स में दिखाते हैं कि विद इन 15 सेकेंड में आपने ड्रिल किया और ये निकल गया, उतना सिंपली अगर कोई बोल्ट सचमुच टूट गया स्ट्रक होके तो उतना ईजिली ये नहीं निकलेगा। और बोल्ट तभी टूटता है जब वो गंदे तरह से स्ट्रक रहता है, तो ये प्रॉब्लम है। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में।